-3। बी आर माइनस यस थ्री सर, नहीं बेटा, सर बी बी आर आर माइनस थ्री थ्री माइनस होगा। सर, ये सिंगल वाले जो थे ना, ये समझ में नहीं आए। बेटा देखो, बी आर थ्री ट्राइओडीन का माइनस, भी नहीं आया, और बी आर थ्री माइनस में टोटल एटम्स कितने हो गए? इसमें सेंट्रल एटम को बी आर को ही लेना पड़ेगा एक, तो हाफ, तो बी आर ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो 7 ही होंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उसके बगल में दो यस ब्रोमीन बच सर, गए, तो दो दो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो 7 + 2 प्लस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1, तो बराबर कितना आ गया ये? 7 + 2 9 1 10, तो 10 / 2 5 आ गया ना इसमें। यस सर, अब देखो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितनी आ रही है? 5 माइनस सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कितने थे? 2, तो कितनी लोन पेयर आ गई बेटा? 3, तो 3 लोन पेयर आ गई, तो ए सेंट्रल एटम, दो बॉन्डेड एटम, ए बी टू एल थ्री टाइप होगी बेटा इसकी, ए बी थ्री एल सर टू आई टाइप। थ्री माइनस में भी सेम ही होगा। हाँ सेम ही होगा बेटा, आई थ्री माइनस में भी, तो ए बी टू एल थ्री, तो मतलब ये हो गया तुम्हारे पास 3 और 1 5, तो इसकी ज्योमेट्री तो कैसी होगी? ज्योमेट्री इरेगुलर ट्राइंगुलर जी, बाइनोमियल। बस इररेगुलर इरेगुलर ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल, और शेप कैसी हो जाएगी बेटा इसके अंदर? सर लीनियर, लीनियर। शेप हो जाएगी इसकी लीनियर। और बोलो बेटा, किसको डाउट है? सर O3, सर सर SO2, बेटा सर वन एट अ SO टाइम, थ्री ओ थ्री देखो, ओ थ्री के अंदर हाफ सेंट्रल एटम, तीनों ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ही हो गया एक, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है बेटा। ओ थ्री में हाफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल। यस बेटा सर, बोलो, यस सर, अब सिंगल यस बॉन्ड से बॉन्डेड है कोई एटम सर, इसमें? बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 हो गई ना, तो नो सिंगल सर, बॉन्ड से कोई बॉन्डेड नहीं है, तो टोटल कितने आ गए इसमें? 3। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? अब यस देखो, जो एक सर, डबल बॉन्ड से इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लो, ऐसा कंफ्यूजिंग सा एग्जांपल आता है, तो एक तो ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, और एक इसके अंदर ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो देखो सेंट्रल एटम के ऊपर एक ही तो लोन पेयर आई बेटा, और दो बॉन्ड पेयर मानी जाएंगी इसके ऊपर, एक तो ये सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड में भी एक ही सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही, तो देखो टोटल 3 हुए, तो टोटल 3 हुए। अब इसके अंदर लोन आवाज पेयर नहीं। क्या बेटा? सर बेटा आवाज पहल तेरी क्लियर नहीं आ रही है, तेरे में तो नेटवर्क इश्यू नहीं है, आपकी भी नहीं, मेरी नहीं आ रही, किसी के पास भी क्लियर नहीं आ रही सर मेरी नहीं आवाज? आ रही आपकी, सर आपकी नहीं आ रही सर, नो आपकी सर, नहीं आ रही आवाज, सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही? सर अब आ रही है, अब सर अब आ आ रही रही है, है, अब आ रही है आ रही है सर, आ रही है अब? यस सर, यार जो नेटवर्क का यस इशू सर, होगा थोड़ा बहुत, बादलों की वजह से हो रहा होगा। देखो तो इसमें एक लोन पेयर आ गई और एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में 3 ही मानेंगे बेटे टोटल, ये समझ में आया कैसे लिया मैंने? यस सर, बेटा इसमें सेंट्रल एटम पे 6 हैं, तो यस सर, टोटल 6 / 2, सिंगल बॉन्ड से कोई बॉन्डेड नहीं था, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो 3 आ गए। अब 3 में लोन पेयर निकालनी है, तो डबल बॉन्ड में भी एक सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, एक इसके अंदर। ओके बेटा बोलो, यस सर, तो दोनों में कितनी आ गई इसके अंदर? यस सर, ए लोन नहीं पेयर बी आर होगी, माइनस 3 - 2 1, तो इसकी देखो कौन सी होगी, ए बी टू एल, तो ए बी एबी टू एल में टू कैसी होगी बेटा? बेंट और
वी शेप, बेंट और वी शेप, ये तो होगी। और वी ज्योमेट्री, शेप, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? इररेगुलर, इरेगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर। इररेगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर। और बोलो बेटा, किसमें डाउट थी? SO3 सर, SO2, SO3, बेटा SO3 SO3। और SO2 के अंदर वही कंसेप्ट लगा दो, इसी वाला सेम। देखो SO2, तो SO2 के अंदर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? सिक्स। सर हाँ बेटा, 40 रुपया आ गया सर, अब आ गया। SO2 के अंदर हाफ इंटू सिक्स तो कितना आ गया? 2 3 6, तो 3 आ गए टोटल। अब इसका देखो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे सल्फर का, सर तो एक तो डबल बॉन्ड हो और एक ये डेटिव बॉन्ड हो। देखो डबल बॉन्ड में, उसमें सिंगल बॉन्ड में, दोनों में एक ही मानोगे, तो ये वही हो गया बेटा Ab2L टाइप, सेम ऊपर वाले की जैसे होगा, बेंट और वी शेप। यस यस सर, और ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? इरेगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर। प्लेनर इररेगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर। अब देखो SO3 में, SO3 में हाफ इंटू सिक्स। अब सिंगल वैलेंसी का कोई एटम नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की तो दो होती है ना बेटा, तो 3, तो यहाँ पे 3 आ गई बॉन्डेड एटम्स, तो 3 बॉन्डेड एटम्स आ गए। तो उसमें देखो S डबल बॉन्ड हो, ये डेटिव बॉन्ड हो, ये डेटिव बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में भी एक ही मानेंगे, तो तीनों बॉन्ड पेयर ही होगी बेटा इसके अंदर। तो इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों आइडेंटिकल होगी, रेगुलर ट्राइंगुलर बेटा। बोलो, समझ में आया नहीं आया? Br -3 एक बार फिर से बताना बेटा। Br-3 नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। Br3- है, 3 ब्रोमीन के ऊपर 1- है, और Br3- तो हो गया 1 ब्रोमीन के ऊपर 3-। ओके सर, तो क्या है ये Br3-? तो इसमें वैलेंस सेल हेलोजन मान लिया बेटा, हेलोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हेलोजन्स की वैलेंसी ग्रुप 17 की 1 ही तो होती है बेटा। ग्रुप 17 की वैलेंसी 1 ही तो होती है। तो सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स कितने हो गए इसके अंदर? 2। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उसमें प्लस कर दो, +1, तो टोटल कितना आ गया? 5। तो 5 में ज्योमेट्री तो कैसी होगी? इसमें 5 में ये ट्राइगोनल, कैसी होगी बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो इसमें लोन पेयर कैसे निकालोगे? लोन पेयर बराबर टोटल बॉन्ड पेयर 5 माइनस सिंगल बॉन्ड से कितने बॉन्डेड होंगे? 2 Br के साथ, 2 Br तो कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब 3 लोन पेयर होगी। तो इसका क्या पैटर्न हुआ? Ab2L3, और Ab2L3 के अंदर शेप कैसी होती है? लीनियर। बेटा आ गई समझ में चेतन? यस सर। चेतन ही पूछ रहा था ना? यस सर। और बोलो बेटा, और जो जिसको डाउट है वो। बेटा और बोलो। बस सर यही थे। आगे कंटिन्यू तो करें हो गए। यस सर। बेटा एनी अदर डाउट और शैल वी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक? बेटा बोलो, कंटिन्यू करो। बेटा वेस्पर्स थ्योरी में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो अभी। वेस्पर्स थ्योरी देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बेटा? कॉन्फ़िगरेशन बताना, किसकी कॉन्फ़िगरेशन? स्यूडो इनर्ट गैस।
बेटा सूडो इनर्ट गैस मतलब जिसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ना हो, जैसे कॉपर प्लस वन है, तो कॉपर प्लस वन में कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4S1। अब कॉपर प्लस वन की निकालनी है तो कॉपर प्लस वन में क्या हो जाएगा? 3D10 4S0। अब बेटा D10 थोड़ी होता है नोबल गैसेस के अंदर, नोबल गैसेस की तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है P6। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बोलेंगे? जो इनर्ट गैस होती नहीं है लेकिन लगेगी इनर्ट गैस के जैसे, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम सूडो इनर्ट गैस, फॉल्स इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा? ओके सर। देखो उसके बाद नेक्स्ट आती है अपने पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों दी गई बेटा? इट वॉज गिवन टू एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ, जिससे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी हम शेप को पता नहीं लगा सकते उनके, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, जिनको हम वेस्पर्स थ्योरी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, इट वॉज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। It was given by Hitler and London and further developed by Pauling. Pauling ने फिर इसको फर्दर डेवलप करी थी बेटा, समझ गए बात? तो ये कहता है मतलब जनरली जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी के शुरुआत में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे ये कहती है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, क्या हो बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, समझ गए बेटा? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन तो मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म। अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बन जाएगा और रिपल्शन ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। देखो अब अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा बेटा? देखो फॉर एग्जांपल ये हम एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लेते हैं, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। यस और नो? ये दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनके बीच में बताओ बेटा, ये पहले एक न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का एटम था, इन दोनों के बीच में पहले अट्रैक्टिव फोर्स होंगे ये दोनों एटम्स में अलग अलग में। अब जब ये एटम्स नज़दीक आएंगे तो इनमें क्या होगा? अब इनमें देखो, ये पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स थे पहले जो एग्जिस्ट कर रहे थे, ओल्ड लिख रहा हूँ AO, और ये पहले क्या था बेटा इनमें? अब देखो नए बन गए तो इनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते थे इसमें। देखो इस इलेक्ट्रॉन में जब ये नजदीक आएंगे तो इन दोनों में आपस में क्या होगा? रिपल्शन। इन दोनों में न्यूक्लियस में भी क्या होगा? रिपल्शन होंगे बेटा। कैसे होगा? अरे सेम चार्जेस है तो सेम चार्जेस में रिपल्शन ही होता है, और कैसे होगा?
सेम चार्जेस में अट्रैक्शन होता है क्या? कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ, पांचवी छठी क्लास की बात है, सेम चार्जेस में अट्रैक्शन होता है रिपल्शन होता है? अरे माइनस माइनस है तो रिपल्शन होगा ना, न्यूक्लियस प्लस का होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस प्लस प्लस का है तो भी रिपल्शन होगा उसके अंदर। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। इन दोनों, इन इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो बताओ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं या रिपल्शन ज्यादा हो रहे हैं? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा? यस सर। यस सर। तो अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन तो मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, इसलिए H2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ गए बात? अब जैसे जब एटम्स नजदीक आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जिस पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल बनता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मान ली इस पॉइंट के ऊपर, तो जीरो मान ली, तो पहले जब मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, तो नज़दीक आएंगे तो उनके अंदर उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और इस पॉइंट के ऊपर डिक्री मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, दिस इज जीरो है, तो जीरो के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और जीरो के ऊपर कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या होगा बेटा इसके ऊपर? देखो ये दोनों एटम्स के बीच में जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस हो गया कि इस डिस्टेंस के ऊपर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो जीरो से इसके बराबर होगी ई। ओके, अब देखो इधर वही बात है, इधर चलेंगे हम, तो इधर चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीजेस एज डी डिक्रीजेस, डी होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ गए बात? यस सर। अब जैसे हीलियम H2 का बनाना है मॉलिक्यूल तुम्हारे को, तो H2 हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है क्या? नोबल गैस है हीलियम? यस सर। कौन कह रहा है बनता है? सर नहीं बनता। हिमांशु बन जाएगा हीलियम का मॉलिक्यूल? नहीं सर। क्यों नहीं बनेगा सर? नोबल गैस का आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है, वो खुद ही क्या होती है? स्टेबल होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हीलियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है बेटा? ये एक एटम के हो गए, ये मान लो एटम नंबर 1 है, तो E1 ये हीलियम का दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया इसका E2 और ये इलेक्ट्रॉन हो गया E2। ओके, अब देखो बेटा मैं ये बना रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? ये अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में ये क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में भी ये अट्रैक्शन होगा? Yes. इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा बेटा? ये अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ये दूसरों के बीच में ये भी क्या होगा? अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में ये अट्रैक्शन होंगे जब नए आएंगे तो। अब देखो इनको अलग कलर से बना देते थे, सही रहता है इसमें थोड़ा। ये जब अप्रोच करेंगे मॉलिक्यूल्स तब बनेंगे ऐसे,
ठीक है। देखो ये जब अप्रोच करेंगे तो ये नए अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए इनके बीच में, तो नए अट्रैक्टिव फोर्स कितने बने बेटा? फोर। फोर न्यू फोर्सेस। और कौन से हैं ये? इस लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्पल से हमने, फोर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब बताओ रिपल्सिव फोर्सेस कितने होंगे? थ्री। देख थ्री कैसे होंगे? देखो ये कंजेस्टेड से बन गया थोड़ा सा, मैं सेपरेट बना रहा हूँ इसमें। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 बेटा। एक तो ये, इन दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। इन दोनों न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होगा? रिपल्शन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होगा? रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। तो देखो नए अट्रैक्टिव फोर्स कितने बन रहे थे? चार। और रिपल्सिव कितने बन रहे? पांच। पांच रिपल्शंस और चार अट्रैक्शंस, तो रिपल्शंस ग्रेटर देन अट्रैक्शंस, तो एच टू का मॉलिक्यूल बनता है? नो सर। अब बेटो देखो ये एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन है जब तो बहुत आसान है, अब बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा उसको ड्रॉ करना ऐसे डायग्राम की फॉर्म में। पता बना सकते हैं हम फिर? नो सर। तो मतलब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ये जो बॉन्ड थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सर। हाँ बेटा। सर ये जो अट्रैक्शन में ये ऊपर के क्यों काउंट क्यों नहीं किए? कौन से ऊपर के? वो ओल्ड है। यस सर। बेटा ओल्ड नए अट्रैक्टिव फोर्स कितने हैं? वो तो उस उसके एटम के बीच में है ना, उसके एटम वाले नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे हम बस। ओके सर। नहीं समझे बात? मतलब न्यू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर होंगे तो भी मॉलिक्यूल बन जाएगा, और अट्रैक्टिव ज्यादा होंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन अट्रैक्टिव कम होंगे तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। समझ गया बेटा? यस सर। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी लिखूंगा बेटा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की टर्म्स में एक्सप्लेन करेगा बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बेटा। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की टर्म्स में आएगा बेटा ये। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो? यस। मतलब एक ऑर्बिटल के रीजन को, रीजन ऑफ वन ऑर्बिटल is covered by region of another orbital containing electron with opposite spin। दोनों electrons कैसे होंगे बेटा? वो opposite spin, एक में ऊपर की side में होगा तो दूसरे में किसकी side में होगा? नीचे की साइड में होगा। जैसे हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनाएं तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में सेंटर में ये तो क्या हो गया आपके पास? न्यूक्लियस। और ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब देखो जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम आएगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम इसके साथ यूँ ओवरलैप करेगा
और ओवरलैप करेगा तो इसके अंदर ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसे होगा, अपोजिट स्पिन से होगा उसके अंदर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार फिर से बताना। देखो एक एटम है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है ये इसका, ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये दूसरा एटम हो गया हाइड्रोजन का। अब ये दूसरे एटम के अंदर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? एक ही होगा बेटा, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इसके सेंटर में क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब ये जैसे नजदीक अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, अगर सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन के होंगे तो रिपल्शन होगा उनके अंदर। यस सर। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो उल्टा हो जाएगा। देखो एक तो ये है और एक ये है, तो ये तो यहां पे हो गए इनके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और यहां पे बीच में एक एक क्या आ जाएंगे बेटा, ये इनके एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये ऊपर की साइड में, और एक का क्या आ जाएगा नीचे की साइड में, तो एक बॉन्ड बन जाएगा ये। बेटा नहीं समझे बात? समझ गया सर। ये दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि सेम स्पिन के रहेंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं उसके अंदर। तो ये जो रीजन आ गया इसके अंदर, ये जो मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे हम, रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, रीजन ऑफ ओवरलैप। समझ गए बेटा बात? यस। क्या बोलेंगे इसको हम, रीजन ऑफ ओवरलैप, ओवरलैप। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया, कैसे बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग कैसे होगी ऑर्बिटल्स के अंदर? अब ये तो बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का एटम, अब एटम्स मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो उसके अंदर कंसेप्ट यही रहेगा। तुम और बताओ बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर, जिसके बारे में पढ़ना है तो उसका ही बनाते हैं हम फिर। बेटा बोलो सर, कार्बन का बना लो। कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा वो। किसका? देखो HCl का बनाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो H और Cl के बीच में बन रहा है बेटा। ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखो इसके बगल में क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्लोरीन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p5। तो देखो p में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जगह है ना बेटा। यस सर। और p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल्ड शेप। तो इसके साथ वो p ऑर्बिटल होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसके अंदर, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होगा इसमें हाइड्रोजन का। ये ऊपर की साइड में बनाएंगे तो इसका कैसे बनाएंगे, नीचे की साइड में यूं। अब देखो दो पी ऑर्बिटल्स इसमें कैसे हो गए बेटा, दो पी ऑर्बिटल्स में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, PX PY PZ ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3px और ये हो गया 3py, तो ये बच गया कौन सा, 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में बोलो ओवरलैपिंग पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। तो देखो HCl का मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया पॉजिटिवली चार्ज, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऊपर की साइड में था, और क्लोरीन का कहाँ जाएगा, ये नीचे की साइड में, तो ये बन गया एक बॉन्ड। और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
दो ऑर्बिटल्स जो फुली फिल्ड है वो अलग से ऐसे सेपरेट पड़े रहेंगे, तो दो लोन पेयर होंगी या नहीं होंगी उनमें? यस सर, ये दो लोन पेयर इनकी होगी और एक लोन पेयर ये 3s ऑर्बिटल की होगी, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये किसका मॉलिक्यूल हो गया बेटा? ये HCl का मॉलिक्यूल हो गया। ओके, समझ आया नहीं आया? अब देखो बेटा, दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होगी, टू टाइप्स। एक तो को एक्सियल के अलोंग, एक्सिस के अलोंग, और एक साइड वाइज। एक तो एक्सिस के अलोंग और दूसरी अलोंग द साइड साइड। तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनेंगे, एक तो सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? ये बनता है ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फॉर्म बाय कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब एक्सिस क्या होगा इनके अंदर? कॉमन होगा। कोएक्सियल ओवरलैप कोएक्सियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये कैसे बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और कोलेटरल भी बोलते हैं इसको, साइड वाइज और कोलेटरल। ये जो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग पॉसिबल है बेटा, ये एस एस ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है, पीपी ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है, एसपी ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है, और ये ओनली इन, देखो स्पेयर में तो साइड वाइज हो ही नहीं सकता बेटा, स्पेयर तो सिमेट्रिकल होता है ना, तो ये ओनली किस में बनेगी? पीपी ऑर्बिटल्स के अंदर बनेगी। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा बेटा? अनसिमेट्रिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा बेटा? सर अनसिमेट्रिकल। पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, यस सर। इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा एक्सिस के अलोंग। देखो बेटा, ये ऐसे समझ लो, अब तुम, मैं लाइव तो तुम्हारे को शो करता है ये, तो फ्री रोटेशन मान लो पैन है और पैन के ऊपर उसकी कैप है, तो कैप को बिना निकाले तुम बाहर उस पैन के चारों तरफ घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते? यस सर। तो वो हो गया, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और इसके अंदर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोटेशन अलाउड नहीं होगा बेटा, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर। अभी मैं बना के बताऊंगा इसकी फोटो तुम्हारे को। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर, यस सर। इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो इतने ही ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे, तो मोर स्ट्रोंगर। इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्मॉल, कम होगा तो ये हम बोल सकते हैं वीकर देन
वीकर देन सिग्मा, सिग्मा वीकर होगा, ठीक है बेटा? ओके सर। देखो एक यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, दिस कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, ये बिना पाई बॉन्ड के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दिस दिस कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बिना पाई के एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन पाई बिना सिग्मा के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसका मतलब पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा पाई बनेगा? सिग्मा, सिग्मा बनेगा बेटा पहले। बेटा ठीक है? यस सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो किस तरीके से होगी इसके अंदर ओवरलैपिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे इसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर। देखो एस ऑर्बिटल्स कैसे होते बेटा, एस ऑर्बिटल्स स्फेरिकल होते हैं। यस सर। अब ये देखो मान लो एक एस ऑर्बिटल है और ये एक वन एस ऑर्बिटल मान लो इसको, ये दूसरा वन एस ऑर्बिटल है, दो वन एस ऑर्बिटल्स हो गए। ये इनके सेंटर में तो हो गया न्यूक्लियस और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होगी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। yes. वन एस में तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा बेटा इसके अंदर? ये इनके अंदर इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? सर ओवरलैपिंग रीजन। वेरी गुड, ये हो गया इसमें रीजन ऑफ ओवरलैप। तो ये रीजन ऑफ ओवरलैप की वजह से देखो न्यूक्लियस के अलोंग ही हुआ है ना बेटा, यही तो एक्सिस हो गया इनका न्यूक्लियस का दोनों का। बेटा बोलो। यस। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा yes. जैसे ये हाइड्रोजन का ही 1s ऑर्बिटल मान लो, ये भी हाइड्रोजन का है, तो ये कॉमन हो गया। अब इसके अंदर रीजन ऑफ ओवरलैप, ये न्यूक्लियस है दोनों का और ये उनके ऊपर, अब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके चारों तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी बेटा। ये किस किस के बीच में ओवरलैपिंग थी? ss ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये एस एस सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो एक एस ले लो, यूं एक एस और एक पी, तो एक एस और एक पी में कैसे बनेगा बेटा? ये देखो बेटा ये एस और ये पी, बताओ ये किसके अंदर हुई बेटा ओवरलैपिंग? बेटा बोलो, एस और पी के अंदर। इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बेटा, जिस जिस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है उस पार्ट को तो मोटा कर दो और उसके अपोजिट पार्ट को क्या कर दो? छोटा कर दो। तो ये कौन सा ऑर्बिटल बन गया सर? एसपी ऑर्बिटल। शाबाश, ये एक एस और एक पी में इंटरमिक्सिंग हुई है तो इसको क्या बोल देंगे हम? एसपी ऑर्बिटल। ओके अब देखो बेटा yes, sir. ये भी एक्सेस के अलोंग है या नहीं है? ये बीच में न्यूक्लियस है तो एक्सेस के अलोंग ही हुई ना बेटा ओवरलैपिंग इसके अंदर। यस सर। अब देखो पीपी में भी पॉसिबल था ये, तो ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, इसको मान लिया हमने 2pz, क्योंकि वन में तो पॉसिबल ही नहीं है पी, वन में तो ss पॉसिबल है। ये 2pz तो इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी। तो देख बेटा ऐसे बन जाएगा कुछ, ये हो गया इसके अंदर रीजन ऑफ ओवरलैप। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये किस में बन गया? पीपी
सिग्मा बॉन्ड, ये एस पी सिग्मा बॉन्ड। यस सर। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं है? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो, तुम बोलोगे सर ये पी जेड में तो कर दिया आपने, टू पी जेड में, तो टू पी एक्स में क्यों पॉसिबल नहीं है? पी एक्स और पी वाई में, पी एक्स और पी वाई इसके परपेंडिकुलर होंगे ना बेटा, तो उसमें परपेंडिकुलर होंगे, तो नो इंटरन्यूक्लियर ओवरलैप, उसके अंदर कोई भी इंटरन्यूक्लियर ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगी पी पी के अंदर। ओके देखो yes, कैसे sir. जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये एक हो गया परपेंडिकुलर ऐसे, ये और ये एक्स, तो ये जो इस देखो इसका तो कोएक्सियल एक्सिस ये हो गया बेटा, और इसका एस का एक्सिस कौन सा हो गया है? ये, तो दोनों के एक्सिस नहीं आए ना बेटा सेम लाइन में? नो सर। यस सर। ये जेड एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस मान लिया हमने इसको, एक्स एक्सिस, तो इसको बोलेंगे हम जीरो ओवरलैप। तो इससे कोई बॉन्ड बनेगा जीरो ओवरलैप से? नो सर। नो सर, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। आप देखो ये एक पी एक्स है और पी वाई फिर इस पी एक्स के परपेंडिकुलर होगा यू, तो इनके अंदर पॉसिबल है बेटा ऐसे? नो सर। तो ये भी जीरो ओवरलैप होगा, तो जीरो ओवरलैप की वजह से बॉन्ड नहीं, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा जीरो ओवरलैप की वजह से, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू जीरो ओवरलैप। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। बेटा समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। अब देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, देखो ये ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगी यू, और देखो बेटा ये जो ये ओवरलैप हुआ, इस ओवरलैप के लिए हम ये कह सकते हैं कि देखो इसको तुम घुमाए जाओ 180 डिग्री के एंगल के ऊपर। बेटा देखो इसको ऐसे समझ लो, तुम अपनी दो फिंगर्स को मिला लो यो सीधी आमने सामने। देखो मैं एक बार इसमें अगर क्लियर फोटो आती है तो देखना एक बार, बेटा देखो ये इसमें कंप्यूटर में तो साफ नहीं आ रही, इधर देखो ये दो फिंगर दिख रही हैं आपको, देखो ये जो दो फिंगर है इनको यूं रोटेट कराए जाओ बेटा 180 डिग्री के एंगल पे, तो यूं 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? सर आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही? बेटा अब आ रही आवाज? बेटा आवाज आ रही है क्या? सर नहीं आ रही। यस सर। अब आ रही है? यस सर। यस सर। देखो मेरी ये उंगली दिख रही है दोनों को, सबको? सर थोड़ा सा ऊपर करो उंगली को। क्या बोल रहे हैं सर? दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी ऊपर करो। देखो हाँ सर, हाँ अब दिख रही। अब तुम बोलो मत बेटा, इसमें इको आएगा, ये डबल ऑन कर रखा है ना उसमें। देखो यूं इसके अंदर मैं इस फिंगर को यूं रोटेट कराए जाऊंगा 180 डिग्री एंगल से, 360, तो यूं रोटेट कराएंगे तो कोई ये बॉन्ड पे फर्क पड़ेगा क्या?
बेटा दो फिंगर्स को यूं आपस में टच करके, जैसे मैं पेन की बता रहा था तुम्हारे को, यूं रोटेट कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बेटा बोलो। अरे पेन की कैप को, एक पेन के अंदर जो डली हुई है उसको यूं घुमा देंगे 360 डिग्री के एंगल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बॉन्ड के ऊपर? बॉन्ड टूट जाएगा क्या? बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन देखो इसको घुमाएंगे, ये स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हारे को, इसको 180 डिग्री एंगल से यूं रोटेट करा देते, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा साइज वाइज। बोलो। यस सर। तो देखो ये इसके अंदर एक इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो गया, तो ये जो रीजन ऑफ ओवरलैप होगा, तो ये इसके अंदर ऐसे कॉमन आ गया रीजन ऑफ ओवरलैप। तो ये हो गया बेटा इसके अंदर साइड वाइज रीजन ऑफ ओवरलैप। अब ये साइड वाइज रीजन, जो ऊपर वाला जो ओवरलैप का रीजन है वो यो कॉमन हो गया, और ये नीचे वाला रीजन का ओवरलैप है ये कॉमन हो गया। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कौन सा बोलेंगे हम? तो सिग्मा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बनेगा उसको बोलेंगे बेटा पाई बॉन्ड। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। ये बेटा इसका एनर्जी का कंसेप्ट। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। अब देखो बेटा इसके अंदर दो तरीके से ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव का मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए, और नेगेटिव का मतलब अपोजिट लोब्स हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को हमने ये बोला था ना, इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो देखो सेम साइन के होने चाहिए जो लोब्स हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो रीजन, देखो ये प्लस प्लस माइनस, तो ये कौन सी ओवरलैप का एग्जांपल हुआ? पॉजिटिव ओवरलैप। अब ये पॉजिटिव है एक, और इसके अंदर ये पी जेड ऑर्बिटल का अपोजिट स्पिन कर दे बेटा हम, इसके अंदर इधर नेगेटिव आ गया, तो ये कौन सी ओवरलैप होगी? नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप। देखो बेटा पीपी के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कौन सी ओवरलैप होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अपोजिट कर दो उनके लोब्स को, वेव फंक्शंस बोलते हैं ना हम इनको, एक वेव फंक्शन ऊपर की साइड में हो गया और एक नीचे की साइड में, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा ओवरलैप हो गया? नेगेटिव। ये तो को एक्सियल के एक्सिस के लोंग है, और साइड वाइज हो तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये कौन सी ओवरलैप होगी बेटा इनमें? पॉजिटिव ओवरलैप। एक इसके अंदर प्लस का बना दो माइनस, माइनस प्लस, ये कौन सी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप। अब इसके परपेंडिकुलर, ये तो मान लो पी एक्स में माना है हमने, और ये हो गया कोलेटरल एक्सिस के अलोंग पी जेड पी जेड पी एक्स पी वाई। अब देखो पी एक्स पी वाई इनके परपेंडिकुलर होंगे, तो इनको थोड़ा यो टेढ़ा बना लो परपेंडिकुलर, प्लस माइनस। ये पी वाई में कौन सी होगी बेटा ये ओवरलैप? पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, नेगेटिव। पी वाई ये कौन सी ओवरलैप होगी बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ओवरलैप। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो जीरो ओवरलैप। यस सर।
प्लस माइनस जेड एक्सिस क्या लूंगी, ये कौन सी ओवरलैप होगी बेटा? जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप प्लस माइनस, और एक इसके टेढ़ा बना दो परपेंडिकुलर प्लस माइनस, ये भी कौन सी होगी? जीरो ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप से कोई बोर्ड नहीं बनेगा। ओके ओके सर। ओके सर, समझ गया बेटा ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंसेस। अब बाकी इसके डिफरेंस जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, और एक इसके अंदर बॉन्ड पैरामीटर्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बेटा ये समझ में आया है आज वाला? यस सर। आसान ही था, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है ज्यादा। यस सर। यस सर, ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू।